R&S Yunani Pharmacy, first floor opposite Canara Bank, Bahadurpura, X Road, Hyderabad. मैं हूं सज्जाद जैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये कैसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमनान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है, मैं मोहम्मद शरीफ साहब का बेटा हूँ। हमारे पास जो है सबसे पहले सिदरा पैलेस में 23 मई को दावत थी वलीमा हमारे रिश्तेदारों का, उस वलीमे में हम गए थे अटेंड किए वलीमा। वलीमे के दौरान में जो है मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद समी, मोहम्मद वहीद और मोहम्मद रेहान, मोहम्मद खदीर और मोहम्मद रफ़ीक, ये सब लोग मिलके और इनके साथ जो इनके काम करने वाले थे, जो लोग थे अदर जिसको मैं नहीं जानता हूँ, मेरे वालिद भी नहीं जानते, वो लोगों के साथ आके इन लोगों ने हम दोनों पर हमला किया है। वो लोगों ने रिवॉल्वर भी निकाल कर, अपने वेपन्स है उन लोगों के पास, वेपन्स निकाल के लेके आकर हमारे पर लगा दिए हम लोग को शूट करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम बच गए। पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग हमारा मर्डर करने के मंसूबे से हमारे पास अटैक करे हमारे ऊपर, लेकिन हम बच गए, अल्लाह का शुक्र है। हमारे किस्मत में अभी मौत नहीं है, हम बच गए। लेकिन वो लोग जो है ना, सब मिलकर एक साथ मेरे वालिद के ऊपर और मेरे ऊपर दोनों के ऊपर अटैक कर दिया, हमारे को ज़ख्मी कर दिए, मेरे को भी पूरा जो है ना फाड़ दिया। मैं स्टूडेंट हूँ, MBA हो गया मेरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट चल रहा मेरा, मैं ट्रेनिंग में हूँ। मेरे छोटे भाई हाफिज़ कुरान है, उन्हों भी ट्रेनिंग में, एनेस्थीसिया डॉक्टरी कर रहे हैं उन्होंने। हमारे वालिद साहब भी जो है ना, उनको भी बहुत ज़ख्मी कर दिए पूरा, उनको जाके MLC कराए हम लोग। इससे पहले भी एक बार हमला करे थे ये लोग, लेकिन फैमिली मैटर है, हमारे पप्पा के बड़े भाई के लड़के हैं ये लोग, फैमिली मैटर है बोल के हम लोग खामोश बैठ गए थे आपस में, बोल के समझा के खामोश बिठा दिए थे ये लोग। अब जो है फिर ये इतना बड़ा हमला करके अभी भी वैसे ही कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम खामोश नहीं बैठे। हमारे हक असद साहब के पास भी गए थे हम दारुसलाम में, असद साहब को ये बात बोली हम लोगों ने, असद साहब बोले कि जाओ वहाँ पर जाकर कंप्लेंट करो मालारदेवपल्ली PS में, साइबराबाद जो है मालारदेवपल्ली बल्लागुड़े के आगे, तो वहाँ पर जाके कंप्लेंट करो आप लोग, मैं बोल देता हूँ उनको। बोल के बोले असद साहब का भी ना, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन लोगों वो जो जगह का जो जगह पे जो है आके कब्जा करने की कोशिश करे, जगह लेने की कोशिश करे, पूरा करे। वो जगह का जो है सिविल मैटर है, तो वो भी जो है ना हम कोर्ट में भी डाले, कोर्ट में भी चल रहा है उसका, कोर्ट फैसला करेंगे उसका। लेकिन ये लोगों ने जो है ना नाजायज़ जो है ना हमारे ऊपर जुल्म किया, जो है ना नाजायज़ वेपन्स लेके आए, वो इमरान सलमान जो है ब्लेड्स लेके आए, ब्लेड्स थे, चाकू थे, छोटे नहीं मालूम, लेके आके जो ऐसा खींच दिए। अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया, कुछ अगर यहाँ की जगह यहाँ लग जाता, शहरक पे लग जाता, मैं मर जाता तो कौन जिम्मेदार होता। वो लोगों ने हमला किया, रिवॉल्वर निकाल के लगा दिए। खुदा ना खास्ता अगर गलती से भी शूट हो जा रहा है, शूट हो जाता था तो हमारे वालिद की अगर जान चले जाती या मेरी चले जाती या वालदा की चले जाती तो कौन जिम्मेदार होता इस चीज़ का। मैं जानना चाह रहा हूँ कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन लोगों को किसका सपोर्ट है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जो है ना कोर्ट का फैसला चल रहा, कोर्ट का सुनना, ये लोग जो है वो चीज़ दिल में रख ले के, अपने जहन में रख ले के आके हमारे पे हमला कर दिए। इतना डेंजर हमला करे, 10-15 लोग मिलके मारे, 8-10 को तो हम पहचानते, उसके बाद जो रिमेनिंग है कामा करते उनके पास या जो भी है, हम किसी को नहीं पहचानते, जो भी थे वो लोग हमको भी लेके आके मारे। अब हम जो है ना इतना नहत्ते से मारे, लेडीज़ से ही बचाने के वास्ते लेडीज़ को मार दिए। लेडीज़ के हमारे मम्मी का वालदा का जो है हाथ फ्रैक्चर हो गया थोड़ा। हमारे जो महाराष्ट्र से जो मेहमान आए थे वो दावत में, वो बड़े लेडीज़ से, ओल्ड एज के लेडीज़ है, उन्होंने भी आके जो है ना बीच में बचाव कर रहे थे हमारा, उनको ढकल दिए। उनका जो है पूरा यहाँ पे रखा थोड़ा वो हो गया, डैमेज हो गया, उनको प्रॉब्लम हो गया जो है ना। लेडीज़ में घुस के मारे लोगों, सिदरा पैलेस के अंदर सही सामने शिवरामपल्ली जो है पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाके हम कंप्लेन किए। दबका दबी ऑन द स्पॉट 100 डायल किया हमें, आके जो है कंप्लेन भी किया जाकर। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आपके पास भी गए, उन्होंने भी जो है वहाँ पे मालारदेवपल्ली के साइबराबाद के ACP साहब को बोले, जाओ मैं जाओ बोल रहा हूँ बोल के बोले, हम जाके ACP साहब से मिले। ACP साहब भी सर्कल साहब को बोल के कंप्लेन लिए, हमारा एक्शन लिए, एक्शन चल रहा उस पर अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी जो है ना कार्रवाई हो रही। और मैं यही दरख्वास्त करता हूँ, यही मेरी रिक्वेस्ट है कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना है इन लोगों के ऊपर, स्ट्रिंजेस्ट एक्शन होना। क्यों बोलते हैं, ये लोग रिवॉल्वर निकाल के हमारे ऊपर लगा दिए, अगर खुदा ना खास्ता शूट हो जाता, चाचा मेरी या जान चले जाती या वालिद की जान चले जाती, वालदा की, किसी को भी कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था इस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरे 3 महीने से मेरे पीछे, मेरे बच्चे के पीछे दुश्मनियों से बहुत बुरा असर कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई के पास से मैं एक बंडी की जगह लिया था 10-15 साल पहले,
3 लाख रुपये में, अब उसके पैसे 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, हट जाओ इस पार्ट पे से, हट जाओ बोल रहे हैं, ये नाजायज़ काम कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, मेरे भतीजे, मेरे भतीजों के मामुआ ये कर रहे हैं, मेरे को जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, मेरे ऊपर कल अटैक करे, रिवॉल्वर निकाले सिद्रा प्यालेस में बल्ला गुड़े पे, फिर गुट्टे पे पीएस पे मेरा लड़का जाके बुक करा के आए तक मेरे ऊपर अटैक कर दिए, मेरी वाइफ को जो है बीच में आ रहे हैं तो मेरी वाइफ को ढकल दिए, बहुत अन्यालम कर रहे, मेरा डैमेज होगा, हार्ट डैमेज होगा, मेरा होठ फट गए, मेरा होठ फट गया, दो दांत थर रहे, पूरा फ्रैक्चर मेरे को सर पे दोनों पे आँखी के पास बहुत फ्रैक्चर कर दिया मुझको। मैं एक दिन एडमिट भी था असरा से, आज ही एडमिट से डिस्चार्ज हुआ, बहुत मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब बोले सो जो है अब अल्लाह के ऊपर मेरे को भरोसा है, अल्लाह के रसूल के ऊपर, उसके बाद में 10 से 12 जने अटैक करे मेरे ऊपर, हमला अचानक मेरी जगह का थोड़ा रीज़न लिए लेके आके घूम करी करके, हम बैठा हुआ हूँ मैं अकेला, लेडीज़ के साथ बैठा हूँ, लेडीज़ को भी मारे, लेडीज़ के फंक्शन में घुस के आके मारे, नाजायज़ काम कर दिए साहब, क्योंकि बहुत बड़ा जुल्म कर दिए। जुल्म करने के बाद मैं असद साहब के पास गया, असदुद्दीन अवैसी साहब जो है मुझको बोले फौरी कंप्लेंट करो, बल्कि फ़ोन करें ACP साहब गंगाधर को, उन्होंने जो है CA के साहब के पास भेजा है। मैं शुक्रगुजार हूँ पुलिस का भी, गंगाधर साहब ACP साहब का भी, और असदुद्दीन अवैसी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी हेल्प करे पुलिस भी, अहमदर पुलिस भी मेरा कॉपरेट कर रही, पुलिस का भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा। पुलिस को मारे, लेडीज़ को, मेरी वाइफ को ढकल दिए, मेरे मामी महाराष्ट्र से आए थे, मेरे मामी को मार दिए, रक्त उनकी रक्त के ऊपर भी रिमार्क आ गया। बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं साहब इन लोग, इसका जो है आप क्या है, अच्छा कड़क से कड़क, बहुत टाइट से टाइट इसका स्टेप लीजिए। मैं गुजारिश करता हूँ मारेसो वाले, ये समी नाम है, और इमरान, सलमान, अदर बहुत जने, 10 से 12 जने हैं, वही साहब पूरे जने मिल के मेरे को अटैक करें, मेरे बच्चे पे अटैक करें। फिर अब तो ये बंडी कहाँ पे आपकी, कितने साल से ये बंडी? 4 मीनार पे 15-20 साल से है। असद साहब को भी मालूम है मैं 11वीं शरीफ करता हूँ, पीछे ये करता हूँ, नाजायज़ पैसे ले लो, खाली जब भी जहाँ भी जा रहे हैं पैसों का डिमांड कर रहे हैं, पैसे ले लो, हट जाओ बोल रहे हैं। वो हिसाब से साहब मैं बच्चे मेरे जो है पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एक बच्चा CA पढ़ रहा है, एक बच्चा डॉक्टरी कर रहा, बच्चे मेरे हाफिज़ कुरान भी है, बच्चा भी इन्होंने नाजायज़ जुल्म कर रहे हैं, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं साहब, हद से ज़्यादा कर रहे हैं। अब मेरे को मर्डर करने की प्लानिंग में कहते, आजू बाजू बनने वाले आके बोले, डर रहे हैं उन लोग भी, उनसे नहीं बोल रहे थे, हमारा नाम मत बोलो, हम बोल रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको मार देने वाले ने तो आपके बच्चे को मार देने वाले हैं बोल के। इससे पहले भी बंडी पे मेरे गोटों का इसका लेडीज़ का आर्टिफिशियल बिजनेस है, पहले फ्रूट का था, फ्रूट ख़त्म होगा, फ्रूट था वक्त में कुछ भी जगह की मार्केट नहीं थी, अब आर्टिफिशियल शुरू होगा, पब्लिक प्लेस होने से इसकी अहमियत मार्केट बढ़ गई, बढ़ने की वजह से उन लोग वापस मांग रहे हैं जगह, अमाउंट ले लो बोल रहे हैं, डबल ले ट्रिपल ले बोल रहे हैं, वापस दे बोल रहे हैं, इसलिए बहुत प्रॉब्लम, बहुत परेशानी में हूँ मैं। मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, मीडिया भी मेरा हक़ का साथ दीजिए, हक़ पे हूँ मैं, अल्लाह का रसूल जानता। मैं उन लोग को बोला मक्का मस्जिद में चल के मैं मेम्बर पर ठहरे खसम करता हूँ, तो आप लोग खा लो, तो उन आने को तैयार नहीं है, मैं तो रेडी हूँ कभी भी आने के लिए, मस्जिद में जाने के लिए भी। ये मेरे ख़ास रिश्तेदार हैं, इतना मैं उन लोगों को ख़ास एकदम क्लोज थे, सगे मेरे खलेरे भाइयाँ हैं, सगे मेरे भतीजे हैं, फिर दूसरे तरफ भी उन लोगों इन्वॉल्वमेंट से बहुत जने आ रहे हैं। शादी खाने में आगे मानने की वजह क्या है दावत में? ये शादी खाने में अचानक उन प्लानिंग करे, मेरे को मर्डर करने का प्लानिंग था, कहते बिला मेरे बच्चे को पहले मारे, मेरा बच्चा जाए गए तक मैं अकेला था वहाँ पे, मेरे अकेले को आके अटैक कर दिए, तो मेरे मामियाँ मेरे पूरे लेडीज़ जो थी मेरे को बचाव करने के बीच में आया, तो उनको भी फायदा मारे, ढकल दिए, ढकल के मेरे मामी महाराष्ट्र में रहते उनको भी रख जाम हो गई, भिरक हो गई, बहुत जुल्म कर रहे हैं साहब, नाजायज़ जुल्म कर रहे हैं। क्या काम करते? मेरा फ्रूट का कारोबार है, फिर वो उन लोगों का भी फ्रूट का है, फिर कपड़ों की दुकान है, अच्छा बड़े अच्छा मैं हमारे ख़ास क्लोज है, ख़ास खलेरे भाया छे, मगर अब नाजायज़ तकलीफ़ दे रहे हैं, वो हिसाब से बस मैं गुजारिश करता हूँ। उन हमला करे सो वालों के 5-6-7 जनों के नामा मालूम है मेरे को, बाकी के जनों के मैं नहीं देखा, नामा भी याद नहीं है, वही समी, इमरान, सलमान, और बाकी के नामा अदर नामा मुझको याद नहीं है, ये नामा तो पक्का मैं उनको।